अगर आपके फ़ोन पे पर भी एक एरर आ रहा है, आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सिंपल सा स्टेप है जिसे आपको फॉलो करना है और आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने अकाउंट पर क्लिक किया एंड यहाँ पर हम अपना UPI पिन इंटर करेंगे एंड यहाँ पर जो है बैंक का बैलेंस चेक नहीं होगा। काफ़ी समय तक हम वेट करते हैं, फिर भी यहाँ पर जो है फेचिंग बैंक बैलेंस ये जो ऐसे चलता ही रहता है। उसके बाद जो है यहाँ पर एक एरर शो करता है। काफ़ी समय तक वेट करने के बाद यहाँ पर यह एरर आता है, अनेबल टू लोड अकाउंट बैलेंस, अनेबल टू फेच बैंक बैलेंस। अगर इस टाइप का जो है प्रॉब्लम आपके फ़ोन पे ऐप पर भी आ रहा है, आपके अकाउंट का जो बैलेंस है वह चेक नहीं हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सिंपल सा स्टेप है जिसे आपको फॉलो करना है, उसके बाद आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। फ़ोनपे ऐप पर आपके अकाउंट का बैलेंस चेक होने लगेगा, तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो सिंपल इसके लिए जो है सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सेटिंग एप्लीकेशन ओपन करना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपके मोबाइल में एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स या ऐप मैनेजर का। सभी मोबाइल में ये ऑप्शन मिल जाता है, आपको ढूंढ लेना है। तो सिंपल सा इस पर आप क्लिक करेंगे एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजमेंट का, इस पर आप क्लिक करेंगे जिसमें आपके मोबाइल का सभी एप्लीकेशन रहता है। तो यह सेटिंग सभी मोबाइल में मिल जाता है, आपको ढूंढ लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको फ़ोन पे का ऐप ढूंढना है और उस पर आपको क्लिक करना है। तो यह रहा फ़ोन पे का ऐप, इस पर आप क्लिक करेंगे एंड इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज यूजेज का, तो सिंपल इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको फ़ोन पे ऐप का क्लियर कैचे करना है, उसके बाद आपको क्लियर डाटा करना है। यहाँ पर आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सिंपल यह सेटिंग आपको करना है, फ़ोन पे ऐप का क्लियर कैचे और क्लियर डाटा कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप बैक आएंगे एंड अब जो है आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ऐप ओपन करना है एंड यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है फ़ोन पे। अगर आपके फ़ोन पे ऐप पर अपडेट आया है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फ़ोन पे ऐप को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद जो है आपको इसे ओपन करना है। यहाँ पर हमने फ़ोन पे ऐप का क्लियर डाटा किया हुआ है तो ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर इंटर करके लॉगिन करना पड़ेगा। तो जिस मोबाइल नंबर से आपने पहले अकाउंट बनाया था वही मोबाइल नंबर जो है फिर से सेम आपको इंटर करके लॉगिन कर लेना है। OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा एंड यहाँ पर जो भी परमिशन मांग रहा है आप अलाउ करेंगे। अब जो है आपको यहाँ पर कुछ नहीं कहना है, यहाँ पर आपको चेक बैलेंस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप डू इट लेटर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपने अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है सिम सेलेक्ट करके फिर से वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, सिम सेलेक्ट करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जो है आपका सिम वेरीफाई होगा। तो वेरीफाई हो जाने के बाद जो है आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, अब यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर अपने अकाउंट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप अपना UPI पिन इंटर करेंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आएगा, आपके अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर चेक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर चेक हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों फ़ोन पे ऐप पर जो प्रॉब्लम आ रहा था यहाँ पर अकाउंट का बैलेंस चेक नहीं हो रहा था, तो यह स्टेप आपको फॉलो करना है, उसके बाद आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। आपके फ़ोन पे ऐप पर आपके अकाउंट का बैलेंस चेक होने लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।